आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास दोहराया है। हॉकी टीम को बधाई देने के लिए क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल प्रेमी और खेलों में चमक बिखेरने वाले पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद रहे, जिन्होंने ओलंपिक पदक को एक अविस्मरणीय उपलब्धि बताया। सी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी से खेल बजट बढ़ाने की मांग की है। ओलंपिक में 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीमों ने इतिहास रचा है। पुरुष टीम ने जहां ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वहीं चंद कदमों की दूरी से हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम है जो मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन पूरे देश का, पूरे दुनिया का दिल महिला हॉकी टीम ने जीता है। उसी के वेलकम के लिए आज यहाँ एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम की इस एस्ट्रोटर्फ पर यहाँ उनको वेलकम करने के लिए, उनको सलामी देने के लिए इस मैच का आयोजन हुआ है। हमारे साथ जानेंगे कि इस बार जो हॉकी टीम जीत कर आई है, ओलंपिक में सर ऊंचा करके आई है, वो भारतीय खेलों के लिए कितना लाभदायक होने वाला है। एक प्रेरणादायक जीत ये सिद्ध होगी कि भारत ने एक मेडल लिया है। पब्लिक को जब मैदान पर आती है तो उनको हमेशा जीत ही चाहिए होती है, और भारत ने साबित करके दिखाया कि उनके अंदर दमखम है, और ये उनके ब्रॉन्ज मेडल से साबित होता है। आपने मंदिर में, आपने गुरुद्वारे में तमाम अरदास की कि भारतीय हॉकी टीम, भारतीय रणवाकरे, जो 128 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में गया है, वो मेडल जीत के आए और हम खेलों की जो महाशक्ति है उनको टक्कर दे सकें, तो इस बार 7 मेडल जीते हैं, उस बारे में क्या कहना है? सबके लिए, भारतीयों के लिए असीम उत्साह का विषय है, और सबसे ज़्यादा हॉकी जो है, क्योंकि आपने मंदिर वगैरह तो बताया, लेकिन आपको बताना, मैं एक हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ स्कूल लेवल पे, और मैं कर गए, तो ये एक खिलाड़ी के लिए और एक भारतीय के लिए असीम स्नेह है, अपना प्यार है कि जो हमारी मिट्टी का गेम है, जो कि हॉकी हमारा परंपरागत गेम खेला जाता है, उसमें हमने अपनी पहचान बनाई, और जो नए आने वाले जो पीढ़ी है उसको एक उत्साह मिलेगा और इसमें और अधिक से अधिक खिलाड़ी आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी मोदी जी से एक जो है गुजारिश है कि उन्होंने 230 करोड़ रुपए की जो कटौती की है खेल नीतियों में, कम से कम उसको लागू किया जाए, क्योंकि एक खिलाड़ी, ये जो ओलंपिक का जो सफ़र होता है, ये खिलाड़ी का ही वो सफ़र होता है जिसमें वो 4 साल वो किन स्थितियों में निकालता है, किन परिस्थितियों में निकालता है, वो एक खिलाड़ी जानता है, क्योंकि उसके पास में कहीं ना कहीं एक अभाव होता है, लेकिन उन अभावों के बाद भी वो खिलाड़ी जब आगे बढ़ के आता है तो वो एक वाकई में उस खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से प्रार्थना है कि कम से कम खेल नीतियों के अंतर्गत में जो कटौती है उसको पूरा किया जाए। आप स्पोर्ट्समैन हैं और खेल के बारे में आपसे बेहतर मुझे लगता है यहाँ शायद ही कोई जानता हो। इस बार मेडल टैली में हमने 7 मेडल जीते हैं, खासकर भारतीय जो मेंस हॉकी टीम ने उसने इतिहास रचा है। 41 साल यानी 4 दशक बाद मेडल टैली में हम आए हैं, तो कितने गर्व का बात है, और इससे भारतीय खेलों को क्या हासिल होगा? ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, नंबर 1। पर इससे हमको, इस ओलंपिक से इंडिया में जागरूकता आई है, और हमारे में भूख, हमारी जो भूख है वो बढ़ गई है, और ये भूख अगर हमारी बनी रहे तो 7 नहीं 17 मेडल अगले ओलंपिक्स में हमारे पास जरूर आएंगे। सर, इतनी बड़ी जीत है और 41 साल बाद जीत है, इसलिए इस जीत का एक अच्छा मैसेज गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा कि विविध खेलों के अंदर हमारी पहचान हुई है, लेकिन हमारी राष्ट्र भावनाओं से अगर कोई खेल जुड़ा हुआ है तो वो हॉकी है, और हॉकी में भी विशेषकर महिलाओं ने जिस तरह के क्वार्टर फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया, ऑस्ट्रेलियन टीम वो टीम है जो दुनिया की सबसे सशक्त टीम है और जिसका स्वर्ण पदक पक्का माना जा रहा था, तो इस हिसाब से ये समझ लीजिएगा कि हमने क्वार्टर फाइनल में ही स्वर्ण पदक जीत लिया, और देश के अंदर पुनर्जागृति आई है, और हॉकी के लिए फिर एक मैदान तैयार है, और आने वाले समय में हमें ये लगता है कि हर ओलंपिक में, हर विश्व कप में एक ना एक पदक अवश्य आएगा। इस बार हॉकी टीम हो या फिर अन्य खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा हो या फिर लवलीना, हर किसी ने दिल जीता है, और 7 मेडल हम जीत कर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जीत में महिला और पुरुष खिलाड़ियों का बराबर का योगदान रहा है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में भारत मास्को ओलंपिक में खेल की महाशक्तियों को टक्कर जरूर देगा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।